सारे पाकिस्तानी हैं ये तो मुस्लिम हैं सारे ये ओके सर मुस्लिम है ना पैदाइश तो हिंदू फैमिली में हुई है अच्छा और नहीं मजहब को मानना नहीं पड़ता ना इस वक्त हम जो मुसलमान है ना वो भी अपनी मजहब से बेजार हैं हमारे मजहब में भी पता नहीं कितने फैसले हो गए हैं कोई कहता है ये काफर है वो कहता है उसको मुनाफिक वो कहता है उसको मुशरिक वो कहता है उसको यहूदी हम तुमको क्या कहें हमको अपनी पड़ी हुई है इस वक्त सबका फर्ज है कि पहले सिरात मुस्तकीम की तलाश करें खा मुसलमान है या हिंदू है या ईसाई है फिर उस रास्ता मिले ना पहले फिर गाड़ी चलाए ना अब वो जो पहले मुसलमान की बात मानते थे ना अब अगर आप एक मुसलमान की बात मानेंगे तो दूसरा तो कुछ और कहेगा अफ्रीका के कुछ लोग आए हमारे पास तालिब इल्म वो कहने लगे हम पहले ईसाई थे फिर मुसलमान हुए फिर ईसाई हो गए इसकी वजह कि इसकी वजह ये है कि हमारे पास शाह अहमद नूरानी की जमात गई उन्होंने तबलीग करी जब तबलीग करी तो हमारे बहुत से आदमी जो है ना वो उनकी तरफ हो गए उनकी तरफ हो गए मुसलमान हो गए उन्होंने एक मस्जिद भी बनवा के दी एक इमाम भी उसमें हम रखना दिया बहुत खुश हम मुसलमान नमाजें पढ़े कहते हैं फिर एक और जमात गई मुसलमानों की हम तो उसके गिर इकट्ठे हो गए उन्होंने पूछा कि तुम कौन से मुसलमान हो कौन से तो हम तो सोच में पड़ गए कि हम कौन से मुसलमान मुसलमान दिए ही होते हैं उन्होंने कहा जिस फिरके से तुम हो उसको तो मुसलमान काफर कहते हैं वो काले नहीं पहुंच गए ना वो उनको काफर कहती कहा उनको हमको काफर कहते हैं हम उनको काफर कहते हैं ना कहते हैं उन्होंने अपनी तबलीग शुरू कर दी अब जो मुसलमान हुए थे उनमें से आधे उनके हो गए आधे जो ना वो उनके हो गए फिर एक और जमात चली गई अपनी देवबंदी पहुंच गई फिर उधर उन्होंने कहा वो भी काफर तो ये भी काफर वो कहते हैं हम फिर मुड़ सारे मुड़ के ईसाई हो गए हमें पता ही नहीं चलता है कि मुसलमान क्या अब इस वक्त जरूरी है कि मुसलमान को भी पता चले मैं सुन्नी हूँ शिया हूँ सही हूँ या गलत हूँ अब इस वक्त सुन्नी कहता मैं सही हूँ सुन्नी कहता ना शिया कहता मैं सही हूँ लेकिन अक्सरियत सुन्नी कहते हैं कि हम सही हैं हमारी नज़रों में वो सही है जिसके अंदर अल्लाह का नूर है हाँ वो सुन्नी है या शिया या वहाबी है और जिसमें अल्लाह का नूर नहीं है बस बाहर से तोता है अंदर से काला है अब वो हर मजहब के लिए जरूरी है कि पहले आप वो अल्लाह ही से राबता करें जिसने ये मजहब बनाए हैं पहले उसी से राबता कर लो ना अब नीचे ये मसला हल नहीं होता है तो जिसने मसला बनाया ईजाद करी उसी से पता कर लो ना कि अब हम किधर जाएं क्या करें अब उससे राबता कैसे होता है फिर नमाज रोज़ा उसके लिए नहीं है वो उससे राबते के लिए नहीं है नमाज रोज़ा जन्नत के लिए पिट सवाल कहते हैं कि नमाज रोज़ा कम सुठो और रास्ता कोई दूजो अब भी हमको उस दूसरे रास्ते की तलाश है अब अल्लाह से राबता कैसे होगा ये एक राज है देखें नमाज रोज़े से राबता होता सारे नमाजी अल्लाह वाले ना होते अगर सारे अल्लाह वाले होते तो एक दूसरे को काफर क्यों कहते अल्लाह से जो राबता होता है वो दिल से होता है अल्लाह और तुम्हारे दरमियान जो टेलीफोन है ना ये दिल है अब इस दुनिया में निज़ाम जो है ना वो बिजली का है उस दुनिया में निज़ाम जो है ना वो नूर का है यहाँ मोबाइल फोन पड़ा हुआ है उसमें बिजली है वहां से लहरें उठती हैं अमेरिका तक जाती हैं बिजली की लहरें अगर कहीं दूर होगा तो उसकी लहरें उठेंगी तो वो कहाँ जाएंगी अगर
बस नूर की लहरें उठेंगी तो वहीं जाएंगी ना, अर्श मौला तक जाएंगी ना। अब रहा सवाल वो नूर बनेगा कैसे, फिर वो नूर कैसे बनेगा। एक सिख ने कहा कि तुम लोग कहते हो कुरान में नूर है, कहते हो ना, सारे कहते हो ना कुरान में नूर है। तो सिख ने कहा मैं तुम्हारा कुरान पढ़ता रहा, मैं तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाता रहा, जासूस बन के रहा, अगर कुरान में नूर होता तो मेरे अंदर क्यों नहीं आया। तो ईसाई ने कहा मैं भी तुम्हारे कुरान का शब और रोज मतालिया करता हूं, अगर उसमें नूर होता तो मेरे अंदर क्यों नहीं आया। तो हमने उनको कहा कि तुमने दिल से नहीं, यही कह सकते थे ना। या और कुछ सवाल आता बताओ मैं उनको क्या कहता, यही कह सकते तुमने दिल नहीं से पढ़ा। वो कह लेते तुम्हारे मुसलमान तो दिल से पढ़ते हैं ना, तो फिर उनके दिलों में नूर क्यों नहीं गया अगर इसमें नूर है तो। अगर उनके दिलों में नूर होता तो वो एक दूसरे के मुखालिफ क्यों ना होते, क्यों होते, सारे नूर ही होते ना। तो बात तो सही थी। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि कुरान में नूर नहीं है, नहीं कह सकते ना। हाँ, लेकिन उनकी दलाइल भी हमारे पर सही आते हैं। कुरान में वाकई नूर है, लेकिन किसी किसी को नूर हासिल करने का तरीका है। पानी में बिजली है, लेकिन किसी किसी को पानी से बिजली निकालने का तरीका आता है। इसी तरह किसी किसी को कुरान से नूर निकालने का तरीका आता है। आप कुरान पढ़ते होंगे ना, आपके अंदर नूर नहीं गया ना, आपने नूर हासिल करने का पता ही नहीं है ना। कोई चीज़ आपस में टकराती है, पानी पानी से टकराता है, बिजली बिजली बनती है, लोहा लोहे से टकराता है, चिंगारी उठती है। कुरान की आयतें जब आयतों से टकराती है तो नूर बनता है ना। तो तुमने कभी टकराव किया आयतों का आपस में, कभी भी नहीं किया ना। और जिन लोगों ने किए टकराव वो अमल हो गए ना। सूरत मजम्मल का अमल होता है, बार बार सूरत मजम्मल को पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, उसके टकराव से वो अमल बनता है ना। लेकिन चूंकि वो जबान से पढ़ता है ना, तो जबान जबान में नूर निकलता है, फिर जो उसकी मखलूक होती है वो उसके काम आता है। ये तो अमल हो गया ना, अल्लाह तक ये नहीं पहुंचा, ये मखलूकों तक पहुंचा है। अब उस नूर को अंदर जमा करना है। अब वो अंदर जमा कैसे होगा, तुम्हारे अंदर दिल की धड़कने हैं, वो दिल की तस्बीह है, वो भी टिक टिक करेंगे। फिर उन दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह को मिलाते हैं। जब धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह मिलता है ना, टिक टिक के साथ जब रगड़ा लगता है ना, तो उस रगड़े से फिर नूर बनता है। अल्लाह 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 साथ टिक टिक रगड़ बन गई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दूध को रगड़ा देते हैं मक्खन बन जाता है। और जब रगड़ा लगा ना तो फिर अंदर नूर बना। ये तस्बीह का नूर अंगुलियों में, ये जो नूर जुबान वाला पढ़ने वाला ये बार, वो जो दिल की धड़कनों के नूर बना ना, तो वो तुम्हारे खून में गया ना, खून से फिर नसों में गया ना, नस नस में गया ना, तो नसों से तुम्हारी रूह में चला गया ना। जब तुम्हारी रूह तक नूर पहुंचा तो फिर रूह भी अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी ना। वो तो भूखी प्यासी अंदर इंतजार में कुछ खुराक आए बाहर से, फिर जब उसने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी, फिर तुम सोते रहना अल्लाह अल्लाह होती रहेगी। तुम कब्र में चले जाना, वो रूह वहां भी अल्लाह अल्लाह करेगी, यौम महशर में भी ये रूह अल्लाह अल्लाह करती रहेगी। क्योंकि इसने यहाँ अल्लाह अल्लाह सीख लिया ना, अब वहां भी अल्लाह अल्लाह करती रहेगी ना। फिर तुम्हारा दर्जा यौम महशर तक कितना बड़ा हो जाएगा। फिर वो जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह हो रही है, रूह भी अल्लाह अल्लाह कर रही है, वो फिर नूर बनना शुरू हो जाएगा। और नूर सारा फिर दिल में इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि नस में या खून में चला जाना तो खून वापस मुड़ के दिल में जाता है, सब नस नस में जाके फिर दिल में जाता है, और नूर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। फिर ये इकट्ठा हो जाएगा ना, तो फिर इसकी लहरें यहाँ से उठेंगी तरश मौला तक जाएंगे। ये तुम्हारा अल्लाह के दरमियान ये टेलीफोन है ना। अब टेलीफोन है, अगर बिजली नहीं है तो बेकार है ना। बिल है, अगर नूर नहीं है तो बेकार है ना। नहीं समझे? अब तुम्हारा इसके जरिए सिर्फ तुम्हारा कनेक्शन हुआ है, अभी बातचीत तो बकर नहीं है ना। काम तो बहुत चीज ही होगा ना, अगर टेलीफोन कनेक्शन मिला लें बातचीत ना करें तभी बेकार। जब हजूर पाक शबे महराज में गए तो अल्लाह ताला ने आपको तोहफा दिया, ये नमाज तोहफा दें कि अपनी उम्मत को दे देना,
ताकि वो तोहफे मुझे भेजेंगे, मैं उनको याद रहूंगा, वो मुझे याद आएंगे। वो तोहफे नीचे आए, मरना क्या जरूरत है? अगर उसको कोई एक नमाज भी ना पढ़े तब भी उसकी शान तो घटती नहीं है ना, वो तो अल्लाह ही है ना। तो फिर वो क्यों? ये तोहफे एक दूसरे को याद रखने के लिए, जिस दरबारों पे जाते हैं फूल चढ़ाते हैं, दरबार वाले खाते तो नहीं है उसको, ये एक मोहब्बत अकीदत की निशानी है ना, तोहफा है ना। अब वो तोहफे किस तरह ऊपर जाएंगे? अब तुम्हारा हाथ तो यहाँ ऊपर जा नहीं सकता, तुम्हारा ख्याल भी वहां नहीं जा सकता जहां अल्लाह की जात है, तो फिर तुम्हारी नमाज भी ऊपर कैसे जाएंगे? जब तुम्हारे अंदर वो टेलीफोन लगेंगे तो फिर वो तुम्हारी नमाजें उस दूरी टेलीफोन के जरिए अर्श मौला में जाएंगी ना, वो नमाज मोमन का मेराज है ना। तो फिर वो सिर्फ नमाजें नहीं जाएंगी, फिर जो तुम्हारे अंदर रूह अल्लाह कर रही हैं, एक दिन वो भी ताकत पकड़ जाएंगी, फिर वो रूह जाके अर्श मौला में जाएंगी ना, फिर वो वहां जाके नमाजें पढ़ेंगी ना, तो फिर उस वक्त वो सर नहीं उठाएंगे जब तक अल्लाह जवाब ना दे, कहेगा लब्बैक या अब्दी, तो फिर वो सर उठाएंगे ना। तो वो जिंदगी में एक ही नमाज मिल जाए जिसमें अल्लाह कह गया तुमको मैं हाजिर हूँ, एक ही नमाज पूरी जिंदगी में मिल जाए तो हजारों नमाजों से बेहतर है ना। तो फिर जब तुम्हारे दिल की धड़कने अल्लाह अल्लाह में लग जाती हैं, फिर 24 घंटे अल्लाह अल्लाह होती रहती है। आपके दिल में कोई भी चीज आ जाए उससे मोहब्बत हो जाएगी ना, आपके दिल में बच्चा है ना जैसे मोहब्बत है ना, लेकिन अगर दिल में अल्लाह अल्लाह आ जाए तो फिर अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी ना। क्यों जी? जो भी चीज दिल में आ जाए जब अल्लाह अल्लाह करोगे तो अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी ना। जब अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी तो वो किसी का एहसान लेता नहीं है। तुम उसे मोहब्बत करो, कुछ भी उसके लिए करो, वो एहसान नहीं लेता। उसके लिए 1 रुपया खर्च करो, 10 रुपये दे देता है। भाई एहसान जताए तो क्यों क्यों दे 10 रुपये फालतू दे देता ना इसी वजह से। उसके लिए 1 नेकी करो, 10 नेकियों का सवाब दे देता। उसके लिए थोड़ी सी मोहब्बत करो, 10 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। और जिससे मोहब्बत करता है तो एक वक्त उसको देखता है, सवाब ना दोस्त, जब उसका जी चाहे मोहब्बत करने वाले को फिर देखेगा, फिर जब वो उसका देखता है उसको देखता है, फिर वो मोहब्बत नहीं, फिर वो इश्क का मकाम है ना। मैं तेरा और तू मेरा। अब जब तुम्हारे दिल में नूर होगा, वो मैग्नेट पहाड़ है मगरब में, यहाँ कुतुब नमा है, जिस तरफ भी लेके जाओ रुख इसका उधरी है। अगर तुम्हारे दिल में नूर आ गया तो तुम जिस मजहब से या जिस फिरके से भी हो रुख तुम्हारा उधरी होगा ना। अल्लाह, जब रुख अल्लाह की तरफ हो गया फिर जिधर अल्लाह उधर तुम, फिर अगर अल्लाह का अपना मजहब तो है ही कोई है ना, ईसाई है ना मुसलमान है ना, उसका अपना मजहब ही कोई है ना। वो जैसे बंदे देखता है ऐसा मजहब बना देता ना भाई, तौरात वालों के लिए और मजहब बनाया, जबूर वालों के लिए और बना लिया, अंजीर वालों के लिए और बना लिया, और कुरान वाले का मजहब और बना लिया, फिर उसका अपना मजहब क्या है? उसका मजहब क्या है? उसका मजहब इश्क है। वो नूर है जिसमें नूर पैदा हो जाता है उसमें उसको उसका हो जाता बस। अगर तुम्हारे में नूर हो गया तो मुश्किल हो गए, अगर तुम्हारे में नूर नहीं है फिर भले मुसलमान हो तो भले ईसाई हो तो भले कुछ हो, उसकी नजरों में सब बराबर हो। सिर्फ फर्क इतना क्या कि वो जो है दज्जाल के गधे पे चढ़ा हुआ है और ये ईसा अलैहिस्सलाम के गधे पे है, दोनों गधे पे है, दोनों अंदर से गधे हैं। सिर्फ ये कि ईसा का गधा है और वो दज्जाल का गधा है, तो गधा ना। और जब वो देखते है ना, वो इन दाढ़ियों को नहीं देखता, यकीन करो तस्वीरों को नहीं देखता, दाढ़ियों को नहीं देखता, शक्लों को नहीं देखता, कहता मैं कलमों और नियतों को देखता। अगर तुम बाहर से बहुत बड़े मोमिन सही, बड़ी बड़ी दाढ़ियां सही, अंदर तुम्हारे काले हैं, रब से बहुत ही तुम दूर हो। अगर तुम्हारी दाढ़ी भी नहीं है, अंदर से तुम सफेद हो गए, रब तुम्हारे अंदर है। जिन लोगों ने रब को पाया ना, इन दिलों से पाया ना। अब यहाँ कई लोग होंगे सिलसिले वाले, नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, सरवर्दी होंगे ना। अब पहले इनसे पूछो, पाकिस्तान में ज्यादा हनफी होते हैं ना, तो वो कहेंगे या मनफी भी हैं। अगर तू हनफी है, हनफी ने तुझे नमाज रोजा सब कुछ सिखा दिया, तू कादरी चिश्ती क्यों हुआ? बात पते ही, हनफी शरीयत में सब कुछ सिखा देता है, नमाजें वगैरह, तो फिर तू कादरी चिश्ती क्यों है?
वो अनफी ने तुझे नमाजें सिखाई, जुबान को अल्लाह में लगाया, जब तू चिश्ती काजी हुआ तो उन्होंने तेरे दिल को अल्लाह में लगाया ना, तब तू चिश्ती। अगर तू सिर्फ नमाजें ही पढ़ता है, दिल नहीं है, फिर तू झूठा है, ना चिश्ती है ना काजी, सिर्फ अनफी है। पहले जमाने में अगर वो कहता कि मैं नक्शबंदी हूँ, चिश्ती हूँ, लोग तहजीब लिए खड़े हो जाते, नक्शबंदी है या अल्लाह नक्श होगा ना, नक्शबंदी का मतलब इसके अंदर अल्लाह नक्श होगा। अब कहते हैं मैं चिश्ती भी हूँ, नक्शबंदी भी, कादरी भी, सरवर्दी भी, लोग क्यों नहीं उठते हैं, कहते हैं ये झूठा है। जो बोल जबान से अंदर से नहीं है ना, उस वक्त जो उनके अंदर नूर होता था वो लोगों को खड़ा करता था ना। अब अगर कोई चश्ती या नक्शबंदी या कादरी है, अब चश्ती है जिसका क्या, चश्ती रोजाना 3000 दफा दुरूशी पढ़ के सोता है, रोजाना 3000 दफा दुरूशी पढ़ के सोता है जो चश्ती होता है, उसके बाद वो जिक्र कलम में जाता है, और उन लोगों के लिए हराम है जो जिस चश्ती या कादरी हो के लिए, उनके लिए हदीस शरीफ में है कि उनका किसी मकाम पर रुक जाना हराम है। देखो ना मंजिल के लिए तुम गए ना, अब मंजिल जारी रखो, तुम अल्लाह के लिए अब अल्लाह तक पहुंचो ना, किसी जगह भी तुम मारे गए तुम्हारा नाम शहीदों में होगा, जो अल्लाह की राह में मारे गए शहीद हो गए। तो सब पानी दे दें अच्छा नक्शबंदी क्या होता है, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह, लोगों के दिलों के लफ्ज अल्लाह नक्श कर देते, लोगों को नजर आता। अगर तू कहता कि मैं नक्शबंदी हूं तो या तेरे अंदर नक्श होगा या नक्श करने की कोशिश कर रहा होगा, वो नक्शबंदी होता है ना। नक्शबंदी का हर सांस जो है ना वो अल्लाह अल्लाह में गुजरता है, बाद में वो जिक्र कलम में जाता है। अगर कोई चाहता है कहता है कि मैं कादरी हूं तो कादरी में अल्लाह नक्श होगा, उसकी हर दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह करी होगी ना। अगर ये चीजें नहीं है तो फिर मकारी है ना, फिर चश्ती है ना नक्शबंदी है ना कादरी है, बस सिर्फ अनभी है। इस वक्त हर आदमी अल्लाह के लिए बैत करता है जाके, और जो बैत होते हैं अपने आप को बेचते हैं, लगनी बिकते हैं ना। अब जिससे बैत होते हैं उसको कामल समझते हैं ना, भी कामल समझते हैं कि वली अल्लाह है, तब भी अगर बैत होते हैं ना। लेकिन अब रहा सवाल क्या खबरों कामल ना हो, भी तुमने कामल समझा ना, अगर वो कामल ना हुआ तो मारे गए ना। अब वो जो उनकी औलाद है कामलीन की औलाद है, उनमें से कोई कामल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जो कामल नहीं है वो भी अपने आप को कामल ही कहलाता है, तब उसका दाना पानी चलता है ना। अब इस वक्त जरूरत है कि तुम पहले अपने मुर्शिद को देखो कि तुम्हारा मुर्शिद क्या है, कामल है या नाकस है। अगर तुम्हारा मुर्शिद नाकस है, यकीन करो तुम जो नमाजें यहां पढ़ते हो ये भी तुम्हारे काम नहीं आएंगी, तुम उसके आगे बिके हुए, तुम्हारी नमाजें उधर जा रही है ना, तो जिधर वो जाएगा उधर तुम। अगर तुम्हारा मुर्शिद कामल है तो अगर तुम गुनेगार भी हो तो वो जिधर वो जाएगा उधर तुम, नमाज नहीं भी पढ़ते हो फिर भी जिधर वो जाएगा उधर तुम, अब ले जाएगा ना भाई, मैं खरीदा हुआ जो उसने, तो जिसको खरीदा हुआ उसको साथ लेके जाना पड़ेगा ना। अब शिनाख्त होनी चाहिए कि मेरा मुर्शिद कामल है या नहीं, जरूरी है ना। अच्छा कामल कौन सा होता है, ये जो तुम्हारे अंदर की मखलूकें हैं, ये जब अल्लाह अल्लाह करती हैं, अल्लाह अल्लाह के नूर से इनकी परविश होती है, तो जब नूर से होते हैं वह नूरियों की तरफ भागती हैं, सबसे पहले हुजूर पाक के कदमों में पहुंचती हैं। ये चीजें तुम ही जाओगे तुम्हारे अंदर की चीजें वहां पहुंचेंगी, फिर तुमको शनाख्त हो जाएगी। अब लोग कहते हैं हुजूर पाक का यात्र नबी हैं, तुम कहते होंगे देखा ही नहीं है, और दूसरा कहता है नहीं खत्म हो गए खत्म हो गए, तुम कहते खत्म हो गए होंगे देखा जो नहीं है, फिर जब उनके कदमों में पहुंच जाके उनको देख लोगे फिर तुम कैसे कहोगे खत्म हो गए, फिर तुम्हारी वो गर्दन भी उतार देते हैं, मैंने खुद देखा है भाई, मैं कैसे कहूंगे खत्म हो गए। फिर ये तुम्हारी चीजें सीधी रब को प्रवास करेंगी, वो जो तुम्हारा अल्लाह है, सबका एक ही अल्लाह है ना, तुम्हारा भी अल्लाह वही है हमारा भी अल्लाह वही है, जब तुम्हारे अंदर मनोहर हो जाएगा तो उसी तरफ जाएगा ना, जब अल्लाह की तरफ जाएगा ना ये चीजें जाएंगी, तो फिर
जहरी जिस्म से अजूर पाक पहुंचे और इन मखलूकों से वली वहां पहुंचते हैं, फिर एक दूसरे को प्यार से देखते हैं, फिर अल्लाह ताला उसको फरमाता है मैं तुझे देख लूं तो तू मुझे देख ले। एक दूसरे को देखते हैं, प्यार से देखते हैं, फिर अल्लाह का नक्शा उसकी आंखों में आता है, आंखों से दिल में जाता है, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता अब तू नीचे चला जा, अब जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले। अब जिसने फिर उसको देख लिया प्यार से, वो नहीं अबू जहल की तरह नहीं देखा, हजरत अबू बकर सदी की तरह जिसने देख लिया, फिर उसके लिए सुल्तान साहब ने फरमाया मुर्शिद दा दीदार बहु मैं लख करोड़ हज कि मैं लख करोड़ दफा हज पे जाऊँ, अल्लाह वहां तो नहीं मिलता ना, तो यहाँ इसके दीदार से अल्लाह इसके अंदर। अगर ऐसा मुर्शिद तुमको मिल गया तो फिर जैसे भी हो सुल्तान साहब ने फरमाया आप लासी सारा हूँ, वो ऐसा मुर्शिद फड़े आप लासी सारा हूँ, लेकिन अब तुम्हें शिनाख्त नहीं है ना, क्या पता तुम्हारा मुर्शिद अल्लाह वाला है या नहीं। अल्लाह वाला होता अपना, अब जिस तरह चोर को चोर पहचानता है ना, वली को वली पहचानता है। यकीन करो तुम एक चोर पिंडी का वहां बिठा दो, पिशावर का यहां बिठा दो, एक दूसरे को जानते नहीं है लेकिन उनकी नजरें टकराएंगी, वो समझ जाएगा मेरा हम पेटी भाई। अगर तुम्हारे अंदर नूर है तो फिर दिल दिल से टकराएगा, तो तुम किसी दरबार में चले जाना, तुम्हारे अंदर नूर पैदा हो गया किसी दरबार में चले जाना, वहां भी नूर यहां भी नूर आपस में टकराएंगे, रिकत पैदा हो जाएगी, जिक्र तेज हो जाएगा ना, समझ जाएंगे कोई वली अल्लाह है। दूसरी दरबार पे जाएं किसी ऐसे ही होगा ना, फिर अपने मुर्शिद के पास चले जाना, अगर वहां जाकर भी टकराव होता है रिकत होती है तो तुम्हारा मुर्शिद काम कर गया, अब पक्का यकीन है, आप उसके ऊपर जरा भी शक तुम्हारे को कुफर में ले जाएगा। अल्लाह नहीं समझे, जरा भी शक जो है ना तुमको कुफर में ले जाएगा, क्योंकि अब तुमको प्रैक्टिकल हो चुका कि मेरा मुर्शिद अल्लाह वाला है, उसमें अल्लाह है, बहुत बेखौफ हो जाते। लेकिन बार बार उसके पास जाता है, बार बार जाता है तो कुछ भी नहीं होता है, तो फिर कुछ भी नहीं है ना। उस वक्त सुल्तान साहब ने फरमाया बेहतर है कि उसको बोरी में बंद कर तो दरिया में बहा दे। वो उन चीजों का कातिल है जिन चीजों से हमने अल्लाह को पहुंचना था, जिस्म से हमने अल्लाह को नहीं पहुंचना था, वो जिस्म के जो अंदर रूह है उनके जरिए हमको अल्लाह ने पहुंचना था ना, उसने तो उनको खत्म ही कर दिया ना, कितना बड़ा वो मुजरम है। तो फिर जिधर वो जाएगा उधर तुम रिश्ते लेने वाला भी मुजरम और देने वाला भी मुजरम। जरूरी है कि पहले इन लोगों को शिनाख्त, अब उसके लिए तरीके हैं तुम्हारे अंदर नूर पैदा करने के लिए, ये हर मजहब के लिए, क्योंकि जिसमें भी नूर हो जाएगा भाई, एक हिंदू है ये अल्लाह अल्लाह करेगा नूर पैदा अलग तरह चला जाएगा ना, फिर जिस मजहब के साथ अल्लाह ये भी उधर हो जाएगा ना, भाई इसको फिर तस्दीक हो जाएगी ना, मैं अल्लाह को पहुंच गया, अब अल्लाह का रुख उधर मैं भी उधर हो जाऊँ, खुद ब खुद हो जाएगा ना। अब इसका तरीका है जो नूर बनता है, रोजाना 66 मरतबा कागज के ऊपर अल्लाह लिखो, आप थोड़े दिन लिखोगे ना तो वो आंखों में आ जाएगा, आंखों से उसको फिर दिल के ऊपर उतारो, आंखों से दिल में चला जाएगा, फिर उस वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, टिक टिक, वो तुम्हारे दिल की तस्बीह है, उस टिक टिक के साथ फिर अल्लाह को मिलाओ, फिर घड़ी घड़ी जब तस्वर करोगे तो दिल की धड़कने अल्लाह अल्लाह कबूल कर लेंगे। अब वो काला सा लिखा गया था, जो जो अंदर नूर बनता जाएगा वो सफेद होता जाएगा, फिर एक वक्त ऐसा होगा कि वो सूरज की तरह चमक रहा होगा, फिर बेखौफ हो जाना तू, अब कब्र से कितना डरता है वो, क्यों फिर कब्र, फिर फरिश्ते तुझसे डरेंगे, यकीन करो वो तुझसे डरेंगे, फिर कब्र में जाना आएंगे फरिश्ते मुनकर नकीर सबसे पहले पूछेंगे बता तेरा रब कौन है, खामोश हो जाना, बिल्कुल नहीं बोलना, देखना उनको जरा उनकी हिम्मत, दोबारा फिर पूछेंगे तो तेरा रब कौन है क्यों नहीं बताता, खामोश वो गुंगा तो नहीं है, तीसरी दफा फिर पूछेंगे वो कफन उठाना, ओ अल्लाह चमक रहा है, यकीन करो उनको जरूरत नहीं होगी दूसरा सवाल तुमसे पूछे,
क्योंकि उनको पता है कि ये कोई खास गौस पाक का खास बंदा, तो गौस पाक ने उनको कब्र में पकड़ लिया था, तो कहीं ये भी मुझे ना पकड़े। ये भी शायद गाय सुनी होगी, उस दिन से वो डरे हुए हैं कि गौस पाक ने उनको कब्र में पकड़ लिया था। ये भी गौस पाक का ही बंदा है, क्योंकि गौस पाक के बगैर ये अल्लाह सीने में आ ही नहीं सकता है ना। अब इसके सीने में अल्लाह ही गौस पाक का खास बंदा है, वो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, तू जाने तेरा रब जाने हम जा रहे। ये एक तरीका है, रात को सोने लगे इसी कम उंगली को कलम ख्याल करें, तसव्वुर से अल्लाह लिखते लिखते सो जाए, इसी में नींद आए। सुबह उठे वुजू है या नहीं है परवाह नहीं, दिल का वुजू पानी से नहीं है, जिक्र खफी करते रहें, जब तक दिल की धड़कन से नहीं मिले उसको जिक्र खफी कहते हैं। जिक्र खफी इबादत है, कोई मंजिल नहीं है। जब दिल की धड़कन से अल्लाह शुरू हो जाए उस दिन तुम्हारा तरीकत में पहला कदम है, फिर कहना मैं चश्ती हूँ या नक्शबंदी हूँ या कादरी हूँ, उस दिन कहना जब तुम्हारे दिल की धड़कने अल्लाह पुकार उठे। हाँ, ये तरीकत है, शरीयत का तल्लुक इस जबान से है, और जब दिल अल्लाह पुकार उठता है तो ये तरीकत है, तो अल्लाह अल्लाह से जब अल्लाह तक पहुंच जाता है तो फिर वो हकीकत है ना। हकीकत का तलक इन नजरों से है, फिर जब अल्लाह उसको नवाज देता है ना कुछ मर्तबा, तो वो मार्फत है ना। यहां तक पहुंचना तुम्हारा ऐन फर्ज है, किसी मकाम पे भी मौत आ जाए आने दो, अल्लाह गिरा वो मारेगे ना, ये इसका तरीका है। तो बाकी अगर किसी साहब को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, उसके बाद फिर जिक्र लें जिनको लेना है। अब अगर हम यहाँ हैं यकीन करो ना, कुछ पहले भी आए आधे दो तीन दफा आ चुके हैं ना, तुम उससे नजराने मांगते हैं ना तुमको बैत करते हैं, क्यों जी? वो मैं वहाँ जर्मनी में गया, वो कहने लगे तो क्यों आया इधर बैत करने में नहीं, सियासत करने में नहीं, नजराना लेने में नहीं। हमारी समझ में नहीं आता तू फिर क्यों आया, ना तो सियासत है ना फिर बैत है ना कोई नजराना, फिर क्यों आया? अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म दिखा हमको, हम तैयार हैं दिखाने के लिए। ये हम तुमको ये जिक्र बताते हैं, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह भर गया तो अल्लाह का हुक्म ही था ना, देखो तेरे अंदर अल्लाह शुरू हो गया तो अल्लाह का हुक्म ही था ना। तजर्बा करो, अल्लाह रसूल का हुक्म है, उसकी वजह से हम तुम्हारे पास आए। अब रहा सवाल, अब तुम जन्नत में जाओ या दोजख में जाओ हमें क्या परवाह है भाई, हमें तो कुछ नहीं है ना, हम तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान एजेंट है। गाड़ी लेने वाला और है देने वाला और है, और बीच में एजेंट है, हमको क्या मिलेगा? अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह शुरू हो गई ना उसका हमको थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा ना। वो यकीन करो हमको इतना कमीशन मिला, अगर हम खुद भी अल्लाह ना करें तब तो हम ढेरों कमीशन हमारे पास मौजूद। अब तो हमने तुमको कहा अल्लाह कर, तुमने जो अल्लाह किया ना दो गुना तो हमको मिला, अब तुमने उसको कहा अल्लाह कर दो गुना उसमें भी हमारा हिस्सा, अब चार गुना हो गया ना, उसने उसको कहा आज दस गुना तक ये जाता है, इस तरह ये दस गुना तक जाता है। तो इसके लिए कुछ सिलसिला है या नहीं हमें इससे मतलब नहीं है, बैत हो या नहीं है, अगर बैत नहीं हो तो शनाख्त पैदा हो जाएगी, फिर बैत हो गए तो वली से जाके हो गए, अगर बैत हो फिर भी अपनी मुर्शिद की शनाख्त हो जाएगी, क्योंकि अगर मुर्शिद नाकस है तो उसको आदमी छोड़ भी सकता है। शख्सियत को पाना मकसद नहीं है, मकसद अल्लाह को पाना। बल्कि जिस दिन आप ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो शुरू करेंगे कि मैं दिल में अल्लाह लिख रहा हूँ उंगली से, आप ख्याल करेंगे मेरे मुर्शिद ने मेरी उंगली पकड़ी हुई है। अगर तुम्हारा मुर्शिद का अमल हुआ, इससे कठिन मामला और सबसे अहम मामला और कौन सा होगा तुम्हारे लिए? दिल पे अल्लाह लिख रहे हो और शैतान को दिल से निकाल रहे हो, ये बहुत बड़ा काम है ना। अगर तुम्हारा मुर्शिद का अमल हुआ ना तो तुम देखोगे वो तुम्हारी उंगली पकड़ के लिख रहा है यहाँ अल्लाह, वरना उस वक्त जो भी तुम्हारे सामने आ गया वही तुम्हारा मुर्शिद, जो भी तुम्हारे दिल पे अल्लाह लिख दे वही तुम्हारा मुर्शिद हो गया ना। इसके लिए अगर किसी को कुछ पूछना हो तसल्ली के लिए पूछ लें, उसके बाद फिर जिक्र लें, अपनी किस्मत आजमाए। हाँ बताए, नहीं इसका ये है कि जो आपने सुना होगा कि जिब्राइल एक ही है, दो नहीं है ना,
मैं कैल फरिश्ता है कि ये दो नहीं है ना, इसराइल भी कि ये दो नहीं है, इंसान एक एक कितने बन जाता है, बन जाता है ना। गौस पाक को लोगों ने एक एक नौ जगह देखा। चलो आप लोग गौस पाक को नहीं मानते, अफलातून को तो मानते हो ना। जब अफलातून की मौत का वक्त आया ना, तो इसराइल जब जान लेने के लिए आया ना, देखा कि नौ अफलातून बैठे हुए, तो सोचने लगा मैं जान किसकी लूं, पता नहीं अफलातून कौन है, शक्ल सब ये क्या। ये जो चार्ट है ना, ये तुम्हारे अंदर मखलूक हैं, वो जो निशान लगे हुए हैं, ये ऊपर सात आसमान है। ये तुम्हारा मजहब भी कहता है कि सात आसमान हैं और सात जमीनें हैं और सात मूर्तियां हैं, इनका मजहब भी कहता है। हर आसमान से एक एक मखलूक अल्लाह ताला ने इस जिस्म में डाल दी, और वो जो निशान है वहां वहां उसको रख दिया। अब वो निशान, जहानों के निशान भी लिखे हुए हैं जहां जहां से आई, फिर हर जहान की इलादा जिक्र है, फिर हर मखलूक का इलादा जिक्र है, वो भी वहां लिखा हुआ है। फिर जब वो मखलूक अपना जिक्र करती है ना, अरूज पकड़ती है, ताकत पकड़ती है ना, उस जिक्र के नूर से फिर अपने मकाम पे पहुंचती है ना, जहां की होती है ना, फिर वहां पहुंच जाती है ना। फिर तुम यहां बैठोगे ना, सोचोगे मैं जबरूत में सैर करनी है, तुम्हारी रूह यहां से निकलेगी ना, तो जबरूत में सैर करके आएगी ना। तुम सोचोगे मैंने मलकूत में सैर करनी है, तो रूह नहीं जाएगी, उसका तलक जबरूत से है। फिर तुम्हारा कलब जाएगा ना, फिर मलकूत में सैर करके आएगा ना। फिर तुम सोचोगे मैंने अल्लाह के यहां जाना है, तो फिर ये जो सिर वाला है, फिर वो वहां से निकलेगा ना, अल्लाह तक पहुंच के आएगा ना। ये तुम्हारे अंदर ये सत मखलूकें हैं, जिस तरह जिन और फरिश्ते हैं ना, इस तरह ये हैं। जिनों फरिश्तों में ताकत है ना, इनमें ताकत नहीं है ना, ये अंदर चिमटी हुई है ना। जब इनको नूर की ताकत दोगे तो नूर की ताकत से निकलेंगी, नूरियों में जाएंगी। अगर तुम इनको नार की ताकत देगी तो फिर ये नारियों में चले जाएंगी, फिर शैतानों के साथ मिल जाएंगी ना, उनको जादूगर बोलते हैं ना। ये तुम्हारे अंदर खजाना है, खा इसको नूर से ताकत दे दो, खा नार से ताकत दे दो, इसको ताकत चाहिए। तुम्हारे मजहब में जो ना वो आग के पास बैठते हैं, तीन दिन का रोजा रखते हैं, तीन दिन खाते पीते नहीं, वो आग सीखते रहते हैं, वो आग की नार इन चीजों को मिलती है, तो ये ताकत पकड़ते हैं। हमारे मजहब में बजाय नार के हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हैं, और नूर से ये चीजें ताकत पकड़ती हैं। रूहानी दी है, अब रूहानी जो है हर मजहब के लिए, नमाज मुसलमान के लिए ना, रूहानी तो हर मजहब के लिए, अल्लाह हर मजहब के लिए ना। तो जब कोई रूहानियत के जरिए अल्लाह तक पहुंच जाता है ना, तो फिर उसी मजहब में चला जाता है ना जो अल्लाह को पसंद है। इस वक्त सबको जरूरत है, हम मुसलमानों को भी जरूरत है ना, क्योंकि हम मुसलमानों में एक दूसरे को काफिर कहते हैं ना। अब हम मुसलमानों को भी जरूरत है कि हम अल्लाह तक रसाई हासिल करें। फिर जिधर अल्लाह ने भेज दिया, हम तो बड़ी जुम्मे है ना। इन लताएब को जो लोग कहते हैं ना, वो मूर्तियां कहते हैं, सत मूर्तियां, सात मूर्तियां, सात चक्र या सात स्टार ऐसे। हाँ, वो हिंदू कहते हैं कि सात मूर्तियां थे, ये ऊपर से नीचे आई हैं, ये हवा के ऊपर से नीचे आई हैं, ये सत लताएब है। जो हमारे उसमें गुरु हैं, उन्होंने वो ऐसा बताते हैं कि ये सात हैं, पर वो जो स्पाइनल कॉर्ड पीछे होता है उसके अंदर है, ऐसे एक के ऊपर एक करके ऊपर यहाँ। एक मिनट, वो ऐसा बताते हैं, एक मिनट, ठीक है। अब इसका आप प्रैक्टिकल करें ना, देखें तुम्हारे गुरु ने और बताया, हमारे गुरु ने और बताया, उसके गुरु ने और बताया, फिर अब इख्तलाफ हो गया ना। अब आप ऐसा करें ना, तुम्हारे भी अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह का जो अपना नाम असली है ना, वो सुरयानी में अल्लाह है, अरबी में रब कह दिया, फारसी ने खुदा कह दिया, इन्होंने राम कह दिया, अंग्रेजों ने गॉड कह दिया, उसका असली नाम अल्लाह है, उसको सारे मानते हैं। हमने सिखों को पूछा तुम्हारा कलमा क्या, कहने हमारा कलमा ये है यीशु अल्लाह तेरा नाम, राम भी तू, रहीम भी तू, ये पढ़ते हैं ना, अल्लाह को वो भी मानते हैं। अब जो असली नाम अल्लाह का है ना, अब उसको अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दो। ख्याल रखो, जहाँ जहाँ तुम्हारे गुरु बताते हैं ना, ख्याल रखो अल्लाह 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 करते रहो, जो तरीका हम बताते हैं उसे करो, फिर जहाँ तुम्हारी वो चीज़ होगी वहाँ हरकत शुरू हो जाएगी ना। भाई भले तुम इधर फेंको, अगर वो उधर उधर पकड़ लेगी ना, फिर तुमको खुद पता चलेगा मेरी वो मूर्ति कहाँ है। क्यों जी, ये जो जरबे लगाते हैं अल्लाह पूरे सीने के लगाते हैं ना, तो फिर जहाँ वो मूर्ति होती है वहाँ अल्लाह जगह बैठ जाता है ना, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा अल्लाह कहाँ है, वो मूर्ति कहाँ है जिसने अल्लाह करना शुरू कर दिया।
अरे हम तुम वो नहीं कहते मुसलमान हो जाओ, मुसलमान होगे भी नहीं। हजारों तुम वो कहेंगे मुसलमान नहीं, हर आदमी अपने अकीदे पे पक्का है, लेकिन हर मजहब पक्का है ना, लेकिन सारे मजहब सच्चे तो नहीं है ना। बस ये अल्लाह अल्लाह से अल्लाह तक पहुंचो, फिर जिधर अल्लाह उधर तुम बस। फिर अगर वो रामों में है तो उधर चले जाना, अगर मुसलमानों में है तो उधर चले। इस हमारी नगरों में सारे खाली हैं, मुसलमान भी खाली हैं तो राम वाले भी खाली हैं, अंदर से सारे काले, अंदर से सारे काले हैं। जबान से क्या कहते हैं, हम जबान से कलमा पढ़ते हैं, कहते हैं हम जुबान से कलमा पढ़ते हैं, और सगी सुल्तान बोल रहे हैं कबूतर भी अल्लाह करते हैं, जुबान से करते हैं, वली तो नहीं बने ना। अगर तोते को अल्लाह सिखा दो कलमा सुना, क्या वो वली बन जाएगा? वली तो तब बनेगा जब उसके अंदर अल्लाह जाएगा, तो क्योंकि इस जुबान का तलक इस नासूर से है, यहाँ बोलोगे अमरीका सुनेगा, इस दिल का तलक ऊपर से यहाँ गूंजेगा अर्श मौला वाले सुनेंगे ना। इस वक्त यहाँ भी मुसलमान है, सऊदीया भी मुसलमान में, शिया भी मुसलमान कहलाते, जुबान से सारे कहते हैं हम इस्लामी ममालिक हैं, इस मुसलमान सारे कहते हैं, या जुबान से सारे कहते हैं मुसलमान, तो एक दूसरे को काफिर मुनाफिक क्यों कहते हैं? दिल से तो वो नहीं है ना, बस जुबान से है ना, दिल से नहीं है ना। अगर तुम्हारे दिल में भी अल्लाह चला जाए तो फिर जुबान से भी मुसलमान, दिल से भी मुसलमान, फिर जुबान से भी एक तो दिल से भी एक, ये फिरका वारियत ही खत्म हो जाए ना। लेकिन अल्लाह और तुम्हारे दरमियान जो चीज है उसमें शैतान आके बैठ गया, क्योंकि तुम्हारी नमाज दिल के जरिए अल्लाह तक जाती है, उसमें शैतान बैठ गया। अब तुम कोशिश करते हो नमाज में कि मेरी नमाज अल्लाह की तरफ जाए, ख्याल करते हो खुशु खजु कुलो अल्लाह खत, ख्याल करते अल्लाह की तरफ, नहीं वो कहता नहीं कारो चाटा को, वो तुम्हारा ख्याल वो घर में लेके जाता है ना, भाई तुम नहीं लेके जाते, वो शैतान लेके जाता है ना। बहुत कोशिश करते हो लेकिन वो तुमको पिछली बातें सब याद, अब क्यों नहीं याद कराता है? जब तुम फारग बैठे हो, जब तुम नमाज में लगे फिर क्यों याद कराता है? वो तुम्हारी नमाज को खराब करता है, ये तुम्हारे दिलों में शैतान है ना। और ये जो घर में भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं, वो शैतान लड़ाता है ना। बेहतरीन काम है उसके दोस्त मियाँ बीवी को लड़ा देना आपस में, और मौलवी को मौलवी से लड़ा देना, ये शैतान का बेहतरीन काम है। और इसको निकालने का तरीका, ये आपसे नहीं निकलता है, ये बाजिन बुस्तानी में रहमतुल्लाह जब जंगल में गए तो वर्द वज़ाइफ करें तो शैतान पास दूर से खड़ा देखे, जब अल्लाह की जरबे लगाएं तो करीब आकर उनको सताएं, एक दिन डंडा लेके उसको पीछे भागे, आज इसको मारूंगा, आवाज आई बाज ये डंडों से नहीं मरता, ये अल्लाह के नूर से जलता है। तू इतना जिक्र कर, इतना जिक्र कर कि नूर अल नूर हो जा, तब भी कुरान मजीद में है ना, कसरत से जिक्र कर, उठते बैठते हत्ता करते लेते जिक्र कर, खरीदो फरोख्त में भी इससे गाफिल ना। अब तुम आज तजुर्बा कर लो शैतान कैसे निकलता है, तुमने नमाज पढ़ी होगी ना, वसों से आए ना, इसका मतलब है शैतान अंदर है। अब तुम अल्लाह की जरबे लगाओ जरा बैठ के, वसों से नहीं आएंगे, मस्ती आएगी। क्यों? जिस तरह कौवा वो तीर से भागता ना, देख ले भाग जाता है ना, इसी तरह शैतान अल्लाह से भागता है। अब जिन लोगों के अंदर शैतान बड़ा शैतान है वो तुमको अल्लाह करने नहीं देता। शैतान जो हो देखना, वो लोग मस्जिद के पास रिकॉर्डिंग हो रही है, यार उनका अपना अमल है, छोड़ो, यही कहते हैं ना, कोई भंग चर्स पी रहा है उनका अपना अमल है। लेकिन अगर वहां को अल्लाह कर रहा है तो फिर क्यों कहते हैं हम इसको मार देंगे, मर जाएंगे, या मार देंगे इसको, अल्लाह नहीं करने देंगे? रिकॉर्डिंग में उसको खलल नहीं होता है, वो अल्लाह में उनको खलल होता है, वो खलल नहीं होता है, वो जो अंदर शैतान है ना उसको आग लगती है ना, कि ये शैतान का हथियार है ना। लेकिन जब तुम जिक्र छोड़ोगे तो मुड़ के फिर आ जाएगा ना। आप हर वक्त जिक्र तुम नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ही हल्का बन जाए तो, और तुम्हारे अंदर की मखलूक है अल्लाह करना शुरू कर दे तो फिर यही मस्जिद, यही काबा, यही गोले गुलजार जाएंगे। तो यकीन करो तुम हर तरह की इबादत कर लो, रब इबादत से कभी भी नहीं मिलता, बड़ा तोहफा है, इबादत से जन्नत मिल जाएगी, ये लालचियों का काम है। अगर रब मिलता है तो इस दिल से मिलता है, इबादत दिल को साफ करने का जरिया है,
अगर आप इबादत से दिल को साफ नहीं कर सकते बेकार टकरी मारते हैं, क्योंकि इबादत दिल को साफ करती है, दिल साफ होता है फिर उस दिल में रब मिलता है। तो हमारे दिल रब की तरफ जाते ही नहीं है ना, तो फिर इनकी इबादत जन्नत के लिए, फिर अल्लाह की नजरों में बड़ी लालची है ना। अब इसका सबूत तुम कहते हो हम अल्लाह के लिए करते, हम कहते हैं तुम जन्नत के लिए करते हो। जब तुम नमाज पढ़ के फारिग होते हो तो कभी कहा तुमने ऐ अल्लाह तू चाहिए ये क्या है अल्लाह हमको जन्नत चाहिए? यही कहते हो ना, फिर जन्नत के लिए कर दो, जन्नत मांगते हो ना, रब के लिए नहीं करते। और यकीन करो रब बेताब है तुमको देखने के लिए, तुम नहीं चाहते रब तुमको देखे। तुम रोज मुंह धोते हो, शेव करते हो, चमकाते हो उसको, लोगों को दिखा, लोग देखेंगे ना इसके लिए, लोग देखेंगे यार इसको चमका लो। लेकिन जिसको रब देखता है तुम उसको तरफ ध्यान ही देते हो ना, और जिसको रब देखता है तुमने कभी उसको चमकाया यार इसको धूं चमका के जाऊं ताकि इसको रब देखे? तुम खुद ही चाहते तुमको रब देखे। अगर तुम चाहो तुमको रब देखो वो तो हाजिर है, वो साफ करो इसको। हर चीज को साफ करने के लिए कोई हथियार है, दिल को साफ करने के लिए जिक्र अल्लाह। जब अल्लाह का रगड़ा लगेगा तो दिल साफ हो जाएगा, चमकेगा। तो अल्लाह ताला की बाद नसीम इस दुनिया में घूमती है, वह चमकती हुई दिलों को देखती है, जाओ फिर उस वक्त कहते हैं हाबल वरीद, उस वक्त कहते हैं शरक के नजदीक। अभी वो नहीं है, अभी वो शैतान है बैठा हुआ। अब हमारे यहां ज्यादा क्या है इस वक्त जो फरोग हो रहा है, सुनतों का फरोग हो रहा है कि सारी सुनते अपना लो, इसके मुनारफ नहीं है। हम भी सुनतों के कायल हैं, सुनते पढ़ते हैं, सुनत रखी हुई भी है, लेकिन सुनत का काम कब आती है पहले जिसका पता होना चाहिए ना। और सुनते हैं क्या, हम आपसे पूछते हैं कि आप ये चार का सुनत पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं, फौरन कहेंगे हम हजूर पाक की नकल करते हैं। यही कहोगे ना, हम कहेंगे कि हजूर पाक किसकी नकल करते थे, अल्लाह तो नमाज नहीं पढ़ते। फिर आपके पास क्या जवाब है? फिर कहोगे कि ये हजूर पाक की अदाएं थी जो हमारे लिए सुनते बन गई। यही कहोगे ना, तो हम कहते हैं अदा उस वक्त काम आती है जब यार देख रहा हो। ये सुर्खी पाउडर तब काम आती है कि यार देखने वाला हो तो वो तो कहता है ना दाढ़ियों को देखता हूँ तो ना तेरे सुरमे को देखता हूँ, मैं तेरे दिल को देखता हूँ। जब वो तुम्हारे दिल को देखेगा ना जिस वक्त मनोहर होगा, फिर तुम्हारी एक एक अदा का स्वाब सौ सौ शहीदों के बराबर कर देगा। उस वक्त जब देखेगा तो जब वो देखते ही नहीं है तो फिर बंदे रहो। जरूरी है कि इन दिलों को पहले साफ कर, फिर तुम्हारी नमाजें भी काम आएंगी तो सुनते भी काम आएंगी, हर अदा तुम्हारी फिर उसको। और इसके बगैर, दिल के बगैर जो इबादत है ना बड़ी खतरनाक इबादत है, यकीन करो। इबादत का मतलब है आज ही पैदा होना, यही मकसद है ना। तो तुझमें तकबर क्यों पैदा होगी? जिन नमाजें पढ़े थे तकबर आ गया तुझ में? अगर तेरे दिल में अल्लाह आला होती तो तकबर को निकालती ना। अब अल्लाह आला नहीं है, लोग कहते हैं पांच वक्त का नमाज ये तकबर आया, वो तहज्जुद भी पढ़ता और तकबर आया ना। बेनमाजी को देखा बड़ी कारत से देखा कि मैं तुझसे बेहतर हूँ, और ये नहीं पता कि तकबर इजाजीला अखबार का नमाज में वो भी पढ़ता था। और यही नमाजें फिर कहता अब मैं तो, अब हमारे उलमा ने यही बताया हुआ कि सब कुछ शरीयत में, वो कहते हैं तरीकत हकीकत मार्फत सब शरीयत में, यही कहते हैं ना। अब हमारे हम नॉर्वे में गए तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है कि इसके आगे दुनिया ही नहीं है। अब अगर कुछ जाने वाला हो दुनिया में जो वहाँ जाके रुक जाएगा ना कि दुनिया है नहीं है, मैं आगे क्या बेकार सफ़र करूँ। अब ये कहते हैं कि शरीयत आगे है ही कुछ नहीं है, तो फिर जो आदमी शरीयत में लगता है ना तो कहते हैं शरीयत आगे तो है ही कुछ नहीं है ना। अब शरीयत में दाढ़ी वाड़ी भी रखनी है और रख लेता है, सुरमा भी डालो, मसवाक भी जेब में डालो, सारी शरीयत अपना लेता है। जब सारी चीज़ अपना लेता है तो क्या इससे आगे तो और कुछ है ही नहीं है ना, इसका मतलब मैं तो हजूर पाक के बराबर पहुंच गया ना। तो वही कहता ना क्या इसके आगे है ही कौन ही, अगर मैं अब नहीं जा सकता अल्लाह के दीदार थे तो हजूर पाक कैसे गए? ख्वाब में हुआ
अरे आप जब यही शरीयत उन्होंने भी करी थी तो बस मेरे बड़े भाई की तरह क्यों आत्मा उनके चूमे जाओगे, उसको तो अंगूठा चूमने से भी उसको गुस्सा चढ़ता है। हाँ, तो फिर ये सुखी नमाजें लेगी ना, उसको तकब्बुर बर्बादी की तरफ लेगी ना। अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह आला होता, शैतान तुम्हें तकब्बुर डालता, लेकिन अल्लाह आला उसको निकालती ना। अब तुम्हारे अंदर निकालने वाली कोई चीज ही नहीं है, वो तो बहुत बड़े नमाजी हो गए, वो तो बहुत बड़े मुतकब्बर हो। तो अल्लाह को मुतकब्बरी पसंद नहीं है, उसको आज ही पसंद है। इतनी मुतकब्बर हो जाते हैं कि जब कोई अपना वली अल्लाह भेजता है उनकी हिदायत के लिए, तो वो उसके पीछे लग जाते हैं। हाँ, तो तुझसे बड़े तू किधर आ गया, फिर उसके पीछे लग जाते हैं। तो फिर जब वली को सताते हैं, फिर अल्लाह ताला को और गुस्सा आता, मैं इनकी हिदायत के लिए भेज रही हूँ, उल्टा उसको सता रहे। तो इसके लिए हमारा मिशन यही है कि जब तक दिल साफ नहीं होता ना, रब को नहीं मिलता, ना ही सिराते मुस्तकीम मिलता, तो ना ही अल्लाह मिलता है। और दिल साफ करने का तरीका ही है, ये कुरान हदीस से बाहर नहीं है। कुरान भी फरमाता है, उठते बैठते हथा करवटें लेते मेरे जिक्र का, हदीस में भी है। तो बाकी जो नमाजें हैं वो तो फर्ज हैं, वो तो तुमको पता है, पढ़नी है। एक नमाज वो है जो तुम्हारा जिस्म पढ़ता है, ये आम लोग पढ़ते हैं, इसको नमाज शुद्ध बोलते हैं। एक नमाज वो है जो तुम्हारे अंदर की रूह पढ़ती है, उसको नमाज हकीकत बोलते हैं ना। भाई अगर तुम्हारे जिस्म ने नमाज पढ़ी, जब इसको आगे जाने ही नहीं है, तो इसको नमाज पढ़ाने का क्या फायदा देना, उसको तो यहीं मर जाना ना, कब्र में चले जाना ना। तो इसका हिसाब किताब जिस्म पे नहीं होगा, तो इसको क्यों नमाज पढ़ाते हैं फिर? नहीं, तुम्हारे अंदर जो रूह है ना, इस जिस्म के अंदर वो पैवस्त है, उस रूह को ये जिस्म नमाज पढ़ाता है। असल वो है, असल उसको जाना है ना। हाँ, वो इसमें पैवस्त है, रूह नसों में फंसी हुई है, ये रुकू सजूद उसको कराता है। तो फिर एक वक्त आता है कि वो रूह ताकतवर होके ना इस जिस्म से निकलती है, वो जब नमाज पढ़ती है तो वो नमाज हकीकत है ना। तो इन जिस्म चला भी गया, मिट्टी में चला गया, असल वो नमाज क्यामत तक पढ़ती रही ना, या मैं मैशे तक पढ़ती रही ना, वो असली नमाज है, उसको नमाज हकीकत बोलते हैं। नारे तकदीर, तेरा शाही मेरा शाही, गौर शाही गौर शाही। अब उस रूह को ये जो जिस्म मिला था ना, ये मकान था उसका, यही रह गया बस। आगे जाके उसको ये जिस्म नहीं मिलेगा, उसको और जिस्म मिलेगा जो ना जलेगा ना मरेगा ना बुढ़ा होगा, वो ये जिस्म नहीं होगा, वो दूसरा जिस्म। तुम्हारे अंदर जो हकीकत है ना, वो हकीकत रूह है, बाकी ये जिस्म हकीकत नहीं है, ये आरजी है, ये उसका मकान। इसके लिए अगर किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछे। हम तुम्हें नमाज की नहीं कहते हैं, कलमा की नहीं कहते हैं, हम कहते हैं जिसने तुम्हें बनाया ना, बस उसको याद करो, खूब अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह का रगड़ा लगा के अल्लाह तक पहुंच जाओ, फिर जिधर तो होगा तुमको भेज देगा ना। अगर तुमको उसको तुम्हारे मजहब से प्यार है, तो तुम इसी मजहब में रहोगे, साथ अल्लाह भी उतरेगा। लेकिन जो उसको मजहब पसंद होगा ना, उतर भेजेगा। और यकीन करो, इसके अंदर अगर अल्लाह चला गया ना, तो उसको ना शियों में भेजेगा, ना वहाबियों में भेजेगा, इसको सुनियों में भी नहीं भेजेगा, इसको फिर वो उम्मतियों में भेजेगा। अल्लाह मेरा शाही गौर शाही गौर शाही। उम्मती क्या होता है? उम्मती वो होता है जिसमें अल्लाह का नूर होता है। जब नूर निकल जाता है तो सुन्नी शिया बन जाता है ना। फिर जब नूर आ गया तो फिर उम्मती बन गया। उम्मत को ये भी मानते, उम्मत को ये लोग भी मानते हैं, सुन्नी शिया को भी मानते। सही बात है ना, सारे मजहब उम्मती को मानते हैं, लेकिन सुन्नी शिया वाबी उसको फिर नहीं मानते ना, आगे चलते। इस वजह से नहीं मानते कि उसमें हक है ही कौन नहीं। अब आप हक तो इस वक्त सुन्नियों में दो जमाते हैं जिसको सही तस्लीम करते हैं, ज्यादातर बरेलवी को करते हैं। अगर बरेलवी भी सही है, इस वक्त बरेलवी के दो धड़े बन गए आपस में, एक दूसरे के मुखालिफ हो गए। और दावत इस्लामी वाले मुफ्ती गुलाम सरवर के, मुफ्ती गुलाम सरवर वाले दावत इस्लामी वाले मुखालिफ, इन अमल में फिर वो भी सही को नहीं है ना। सही वो है जिसमें अल्लाह का नूर है बस, भले कोई भी हो। इनके गुरु नानक था एक,
वो अपनी तालीम में तस्बीह लिए माला लगा रहता। कोई दरवेश आ गया जंगल में, उससे माला, दरवेश भी जंगल में, वो भी जंगलों में। फिर उस दरवेश ने कहा कि तू कलमा पढ़। मैंने कहा कलमा तो मैं अब नहीं पढ़ सकता, मैं सारी उम्र मैंने अपने मजहब में गुजार दी, मैं कलमा ला इल्ला इल्लल्लाह पढ़ सकता हूँ लेकिन मोहम्मद रसूल नहीं पढ़ सकता। उस दरवेश ने कहा पर ऐसा कर, ठीक है तू ला इल्ला इल्लल्लाह पढ़ और ये अल्लाह लगा। उसने कहा ये मैं तस्लीम करता हूँ कि अल्लाह अल्लाह से भी नूर बनता है, ला इल्ला इल्लल्लाह से भी नूर बनता है, लेकिन मैं मोहम्मद रसूल का कभी नहीं मानूंगा। उसने कहा नहीं मान। वो पढ़ता रहा पढ़ता रहा, पढ़ने पढ़ने से जब नूर बना गया अल्लाह अल्लाह तक पहुँच जाना, तो फिर वो खुदा भी नहीं तो जुदा भी नहीं। उसे मोहम्मद रसूल नहीं पढ़ा लेकिन जो ही मरने लगा ना उसकी जुबान से मोहम्मद रसूल्ला भी जारी हो गया। फिर जब लाश गई ना तो मुसलमानों ने कहा हमारी है, मोहम्मद रसूल्ला पढ़ता था। उन्होंने कहा नहीं हमारी है। और फिर अंग्रेज ने फैसला किया, उसने कहा कि इसको चारपाई पे जो ना लटाओ, इधर से पीछे से उठाओ सिर की तरफ से, ये जिस तरफ गिर जाए उनका। फिर जब उठाया ना तो मुसलमानों की तरफ गिर गया। अब मुसलमान भी जाते हैं, ये लोग भी जाते हैं। कोई बात पूछनी हो जो किसी को, किसी साहब ने कोई भी सवाल करना हो तो सवाल नहीं, जो बातें पूछे मतलब जो है समझ में ना आए वो पूछ लें, जिक्र लेना चाहे फिर जिक्र लें, फिर किस्मत आजमाए। उनको भी जिक्र लेना होगा ना, आंखें बंद करें ना पढ़ें दिल ही दिल में। अब ये मुसलमानों के लिए अल्लाह हुआ है, तुम लोगों के अहू नहीं है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह। हूँ मैं हमारे मौली इनको और परेशान कर देंगे कि तू जल ही जाएगा, तबाह हो जाएगा, ये पहले कच्चे हैं। इस वजह से अल्लाह 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 और मुसलमानों के लिए अल्लाह अल्लाह पढ़ें दिल ही दिल में अल्लाह 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 अल्लाह। बस ये अब आपको जिक्र हो गया, अब आप इनको बता दें मेरे 15 तारीख तक हूँ, 15 तारीख तक आया मैं, जिनको भी ला सकते हैं लें, कोई भी गैर मुस्लिम हो या दिले दिल में हिंदू सिख में क्या फर्क होता है। बस बस में वजू हो या ना लग रहे 24 घंटे, अगर गुस्सा आए ना थोड़ा सा ये जलाली भी है तो दुरुस्त ही पड़े, फिर इसको ठंडा कर दें, फिर शुरू कर दें आग जलाने शुरू कर दें, फिर देखें जरा गर्मी लगी है, फिर दुरुस्त ही पड़े, फिर उसको ठंडा कर दें। आंखें बंद करें दिल ही दिल में करें अल्लाह 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 अल्लाह। आप भी जिक्र लेंगे पढ़ें अल्लाह 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 अल्लाह। चलो जी आप लोग पीछे हो जाएं, मेरे साथी वहाँ भी आगे पीछे चले जाएं, आखिर भी आगे पीछे चले जाएं। पढ़े जी अल्लाह 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 अल्लाह। बस चलो जी कर लेंगे जी सर, पढ़े अल्लाह 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 अभी जिक्र लेंगे जी अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
बस पहले भी लोग कोशिश करें ना दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह ला मिल जाए, लेकिन अगर किसी का धीमी मिले तो फिर वो सांस के अल्लाह मिला। सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आगे लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। गर्मी हो रही है, नहीं मुश्किल वो अभी है, हाँ आ गया सीधा रहेगा ना बाप कैसे आएगी मुश्किल नहीं है, लोकल है बस इसको ये ना जिक्र दे दो बाकी तुम समझा देना इसको पढ़े अल्लाह हु आंखें बंद कर आंखें बंद कर अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह बस बाकी समझा दें इनको। और कोई साथी हैं जिन्होंने जिक्र दे रहे हैं? इसमें ये है कि जिनका दिल अल्लाह अल्लाह में लग जाएगा ना वो तो लाजमी उनको अल्लाह का दोस्त बनना ही है, लेकिन अल्लाह हर किसी को दोस्त बनाता भी नहीं है ना। कोशिश तो सारे करते हैं ना, जिसमें अल्लाह ला शुरू हो जाए वो तो अल्लाह का दोस्त एक दिन बन जाएगा। अब जिसका अल्लाह ला शुरू ना हो क्या करे, पहले तो पूरी कोशिश करे कि उसका दिल अल्लाह ला में लग जाए, अगर दिल ना लग सके ना फिर सांस का जिक्र करना शुरू कर दे अल्लाह, क्योंकि सांस का जिक्र जो है ना वो भी हर वक्त हो सकता है, सोते में भी हो सकता है, या ये कलब का जिक्र सोते में हो सकता है, लेकिन सांस का जिक्र जो है 24 घंटे अल्लाह करेगा ना तो 24 घंटे में 24,000 दफ़ा सांस आते हैं ना। सांस के जिक्र का तलक हवा से है ना, हवा फेफड़ों तक जाएगी ना, दिल तक तो नहीं जाएगी। अगर हवा दिल में चली जाए बीमारी पैदा हो जाए ना, वो उसके फेफड़ों की तो सफाई हो जाएगी ना, उसका सांस अल्लाह में लिखा जाएगा ना, ये इबादत है, रूहानियत नहीं होगी। जो सबूत भी नहीं आई है कोई अल्लाह का वली बनेगा या दोस्त बनेगा, लेकिन जब दिल में अल्लाह ला शुरू हो जाएगी ना दिल की धड़कनों के साथ, वो जो दिल की धड़कन है वो एक घंटे में 3600 दफ़ा अल्लाह ला कर सकती है। ये जो सेकंड की सुई बनी है ना ये उस धड़कन से बनी है, जिक्र से वो और तेज़ हो जाती है, एक घंटे में ये 6000 दफ़ा अल्लाह ला कर लेती है, 24 घंटे में 1,25,000 भी बढ़ जाता है, 1,25,000 से आगे कोई इबादत नहीं है। अब मुसीबत आती है आयतुल करीमा पढ़ाते हैं, 1,25,000 दफ़ा पढ़ाते हैं, अगर कबूल हो जाए तो मुसीबत टल जाती है ना, अगर रोज ही तेरे अंदर अल्लाह का सवाल लगता हो जाए फिर वो मुसीबत क्यों आए फिर? फिर जब फतह मक्का हुई असाबा कराम के दिल 1,25,000 तक पहुंच चुके थे, उस वक्त ये आयत उतरी कि मैंने तुम्हारों के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। वो आयत हर जमाने के लिए है, आज भी अगर किसी का दिल 1,25,000 तक पहुंच जाए अल्लाह कसम अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर देगा। 1,25,000 दफा तुम्हारा दिल अगर अल्लाह में लग जाए ना तो ये आयशे का मकाम है। आम आदमी के लिए 5,000 दफा अल्लाह का जिक्र कर, आलम के लिए 25,000 दफा जिक्र कर, तब तुझे फजीलत है 5,000 वाले के ऊपर, तब तुझे नमाजियों के ऊपर फजीलत है। दरवेशों के लिए 72,000 दफा, अगर कोई अल्लाह का आशिक बनना चाहे अल्लाह उसका आशिक तो उसके लिए है कि ये 1,25,000 दफा मेरा जिक्र करें, भले घर में कर तो भले जंगल में जाके कर, 1,25,000 दफा कर बस। तो जो जंगल में जाते हैं ना वो खाना पीना नींदें छोड़ते हैं तब 1,25,000 तक पहुंच जाते हैं, तो शहरी क्या करें जंगल में नहीं जा सकते, ये फिर कहीं से जिक्र कलब हासिल करें, फिर सोते भी रहे तो अल्लाह अल्लाह होती रहे, काम काज भी करते रहे तो अल्लाह अल्लाह होती रहे, इसका ये तरीका है। तो बात है उस जान में पूछ लो, ये तो अरबी बताएगा जी सही क्या मतलब है इसका, वो टायरों में पीछे लिखा होगा अल्लाह को हर याद रख, नहीं मकसद है बस। हाथ
हारों की याद उसी वक्त होगा ना, हर वक्त कहा ना, कसर से कर, तू काम काज भी करता रहता, अल्लाह ला भी होती रही ना, तो हो जाती है जब तुम्हारे दिल की धड़कने अल्लाह ला में लग जाती है ना, तो फिर तुम काम काज करता रहे अल्लाह ला होती रहेगी, दस्तकार में दिल यार में, फिर कोशिश करोगे मैं गाड़ी चलाता रहूं, अखबार सारा पढ़ता रहूं, अल्लाह ला होती रहे, फिर कोशिश करोगे मैं नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह ला होती रहे, फिर जो नमाज में भी जब अल्लाह ला होगी ना, अब जो जुबान में हो दिल में हो तो सच्चा है ना, अब तुम्हारी जुबान में कुल वल्ला खाद है, दिल में है कारू चाटा को नहीं मुनाफ़ देना, फिर उस वक्त जब तुम्हारे दिल में अल्लाह ला होगा तो जुबान भी कहेगी कुल वल्ला खाद, दिल भी कहेगा अल्लाह 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 उसमत, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह, वो दिल की अल्लाह ला तुम्हारी नमाज के ऊपर पहुँचाएगी, क्योंकि जुबान का तसरफ यहाँ गूंजते अमरीका वाले सुनते हैं और इस दिल का तसर यहाँ गूंजता दर्शे मौला वाले अल्लाह, तुम्हारी नगर नमाज जाएगी इस दिल के जरिए जाएगी, तो जिसके जरिए जाएगी उसमें तुमने दुनिया फंसा ली है बस, फिर किधर से जाएगी वो, फिर यहीं टकरेंगी हैं बस, फिर टकरें क्या है, अब तुम किसी मस्जिद में चले जाओ, जो आदमी तुमको सबसे ज़्यादा आबद लगे, पाँच छः आदमी बैठो उनके पास बैठ जाओ, देखो वो उसकी भी गाबत कर रहे हैं, उसकी भी गाबत कर रहे हैं, उसकी भी गाबत कर रहे हैं, गाबत ही कर रहे हैं एक दूसरे की, तो गाबत कितना बड़ा गुनाह है, फिर गाबत से हटेंगे फिर बोतान लगाना शुरू कर देंगे, वो कितना अजीम गुनाह है, ये वो लोग हैं जो नमाजी भी हैं, नमाज भी पढ़े हैं लेकिन गुनाह में, गुनाह की हालत में, चोर ने चोरी करी थी उसका गुनहगार था ना, अब तो नहीं है ना, जब घर में आ गया तो ये नमाज पढ़े तभी गुनहगार है ना, असद है ना, मुगल है ना भाई, नमाज की हालत में भी गुनहगार है ना, तो चोर ने चोरी करी थी उसे गुनहगार था ना, मैं बांग्लादेश में हूँ, हाँ जी, अभी आपके पैगाम में बांग्लादेश तक अगर पहुँचाना चाहूँ कहीं पूछो तो हम जाएंगे एक दो महीने में बांग्लादेश, हम बंदे हमारे पहुँच गए, अच्छा पता पता इनको दे देना, वो कुर्मी टोला के इलाके में तो मेरा घर वाला चाहे ये जिक्र लेने के लिए तो और किसी के लिए आ जाओगे, हिंदू मेरे घर तुम तो मुसलमान है, कहने का मतलब मेरा घर वाला चाहे मेरा बीबी चाहे ये चीज तो मैं उनको तो हमने दे सकता है तो, नहीं तो, मतलब आपका ये जो चीज आपने समझाया ये चीज हम नहीं तुम समझा सकता है ना, हाँ, मतलब तुम उनको ये बता सकता ना कि इस दवाई में ये तासीर है, ये तासीर है, ये तासीर है, तुम दवाई तो नहीं दे सकता ना, बता सकता मैं उन लोगों को कैसे, हाँ वहाँ से दवाई लो, फिर दवाई के लिए फिर उनको आना पड़ेगा या हमको जाना पड़ेगा, आप आ रहे हैं बात नहीं समझे, समझ गए आगे तो उनको देना भी चाहिएगा, फिर भी उनको दवाई दवाई नहीं, फिर ये नूर होगा तो उनमें नूर जाएगा ना, तो जिसको इजाजत देगा फिर उसके अंदर नूर जाएगा ना, ये पहले जो नजरें हैं ना, पहले नूर इसमें आता है दिल में, फिर नस नस में आता है, फिर इन नजरों में आता है, तब कहते हैं कि दीन बुजुर्गों की नजर से पैदा हुआ है, फिर जब इनमें नूर आता है ना, फिर वो तेरे दिल पे आंखें जाएंगी ना, तो तब वो दिल तेरा मुनव्वर होगा ना, तो ये तेरे दिल में नजरों में भी नूर नहीं है ना, आप दिसंबर तक हैं इंशाल्लाह, मैं दिसंबर 20 तक कुछ बताया जी, हम जिंदा है, क्या बोलते जी, शुक्रिया।